Assalamu alaikum, I am Dr. Mohammad Muin Ashraf and today I will discuss about occupational health. It is totally dependent upon the physical and mental well-being of the employees working under a specific company or employer. Occupational health has basically four aspects: chemical hazard, economical hazard, biological hazard and physical hazard. Chemical aspect में जो आ जाता है chemical hazards में वो hazards हैं जो कि employees को काम करते हुए किसी भी chemical situation, chemical से encounter हो जाए, जिसमें chemical में liquid elements भी आ जाते हैं, gases भी आ जाते हैं और solid waste भी आ जाते हैं. तो वो employees जो किसी भी ऐसे मकाम पे काम कर रहे हैं जहाँ पर इन चीज़ों से उनका encounter होगा, तो ये employer की responsibility है कि वो किस तरह make sure करता है health safety और employees के जो safety है साथ साथ environmental safety के measures को follow करने का. Second aspect है आपका जो biological hazard. Biological hazard में health care system और दीगर इस तरह की facilities आ जाती हैं जहाँ पर आपका patient से encounter होता है, या इस तरह के biological waste या इस तरह की चीज़ों से encounter होता है, जिस तरह के plants हो गए, animals हो गए, उनका waste या ऐसी चीज़ जिससे इंसानों को खतरा हो और वो बीमार पड़ सकते हो, तो उसमें भी एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए एम्प्लॉयर क्या क्या मेजर्स फॉलो कर रहे हैं, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंदर आया था. थर्ड एस्पेक्ट इज इकोनॉमिकल हैजर्ड. इकोनॉमिकल हैजर्ड वो है जो जिससे एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉयज से इस तरह का काम करवा रहा है जिससे उनकी बॉडी में स्ट्रेन आ रहा है, उनकी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ सकते हैं. तो स्ट्रेन और स्ट्रेनस एक्टिविटी में आप कितना वर्किंग आवर्स रख रहे हैं, कितना उनको रिलीफ दे रहे हैं, किस तरह उनको स्टेबिलिटी के लिए आप मेजर्स फॉलो कर रहे हैं, ये आ जाता है इकोनॉमिकल हैजर्ड की कैटेगरी. फिजिकल हैजर्ड्स में वो चीज़ें आ जाती हैं जिसमें एम्प्लॉयज ऐसी चीज़ों का सामना कर सकते हैं जो कि फिजिकली एम्प्लॉयज को टच किए बगैर भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती है, एक्सेसिव टेम्परेचर आ जाता है, आपका जो है नॉइज पोल्यूशन आ जाता है, मल्टीपल ऐसी चीज़ें जो कि फिजिकली आपके एम्प्लॉयज़ को नुकसान पहुंचा सकती हैं. तो उसको आप किस तरह सेफ गार्ड कर रहे हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए आपने कौन कौन से मेजर्स फॉलो किए, तो ये आ जाती हैं फिजिकल हैजर्ड और जो कि एस्पेक्ट है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड का. तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वेलबींग को इंश्योर करने के लिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो मल्टीपल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस एस्टेब्लिश करती हैं, जिसके ऊपर अमल करना आपके एम्प्लॉयज़ का बेसिक वर्ड्स. Above all, occupational health also have medical well-being and fitness for task aspects. जो अच्छी companies होती हैं वो पहले से fitness for task evaluation करवाती हैं अपने employees का. Medical fitness होता है उनका on regular intervals, 6 months और basis, 6 months की basis पर भी होता है, yearly basis पर भी होता है, depending upon the severity and risk factors. तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये aspects आ जाते हैं occupational health में, जिसको ensure करना company यानी कि employer और एम्प्लॉयज यानी कि वर्कर्स दोनों की तरफ से इक्वली इनमें कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होता है, और दोनों अगर इसको अच्छे से फॉलो करें तो फिर एक अच्छा एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं. थैंक यू.